रेडिएशन टेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट के लिए, इसमें अपने पढ़ेंगे रेडियोग्राफी सेकंड सेशन। आज का अपना टॉपिक रहेगा डेक्रोसिस्टोग्राफी, यानी अपने जो आईज का लैक्रिमल सिस्टम होता है उसकी स्टडी। सबसे पहले अपने इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। डेक्रोसिस्टोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर टू इवेल्युएट द लैक्रिमल सिस्टम ऑफ द आई। अपन क्या करते हैं, लैक्रिमल सिस्टम का पता लगाते हैं जो कि आई में होता है। लैक्रिमल फ्लूइड निकलता है, लैक्रिमल फ्लूइड आई के होते हुए लैक्रिमल पॉइंट्स में जाता है, लैक्रिमल पॉइंट से होते हुए लैक्रिमल कैनालिबुलाई में, लैक्रिमल कैनालिबुलाई से कहाँ जाएगा, लैक्रिमल सैक में, लैक्रिमल सैक से जाएगा नेजो लैक्रिमल डक्ट से होते हुए नोज से बाहर निकल जाता है, नेजल कैविटी में आ जाता है। एनाटॉमी, अब हम बात करते हैं लैक्रिमल सिस्टम के एनाटॉमी की। लैक्रिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल किससे बना होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है सिचुएटेड एट सुपीरियर लेटरल साइड। ये काफी होती है सुपीरियर लेटरल साइड होती है ऑफ द आई, आई के। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूसर लैक्रिमल फ्लूइड व्हिच डज लुब्रिकेंट्स द आईबॉल, हाइड्रेट एंड हैव ए लिटिल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, लैक्रिमल फ्लूइड निकालता है जो आईज में लुब्रिकेंट का काम करता है, आईबॉल हाइड्रेट यानी आईज को सूखने नहीं देता है। इसके बाद में लैक्रिमल सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लैक्रिमल कैनालिकुलाई। लैक्रिमल सिस्टम क्या होता है, लैक्रिमल कैनालिकुलाई का एक पेयर पाया जाता है विच ओपन इन लैक्रिमल सैक, जो कहाँ पे ओपन होता है, लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल कैनालिकुलाई कलेक्ट्स द लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल कैनालिकुलाई क्या करती है, लैक्रिमल फ्लूइड को कलेक्ट करती है आइस जो द लैक्रिमल सिस्टम, कहाँ से कलेक्ट करती है, आइस से लैक्रिमल पॉइंट से। टू लैक्रिमल पॉइंट फाउंड एट द मिडिल साइड ऑफ द अपर एंड लोअर मार्जिन ऑफ आईलिड। दो लैक्रिमल पॉइंट पाए जाते हैं कहाँ, आईज के अपर और लोअर मार्जिन में। लैक्रिमल सैक विच गेट्स द लैक्रिमल फ्लूइड फ्रॉम वन पेयर ऑफ द लैक्रिमल कैनालिकुलाई एंड ड्रेन्स आउट दिस फ्लूइड थ्रू द लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल सैक क्या करती है, लैक्रिमल कैनालिकुलाई से फ्लूइड लेती है, उसको ड्रेन आउट कर देती है किसके द्वारा, लैक्रिमल डक्ट के द्वारा। लैक्रिमल सैक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट आर फाउंड इन बोथ लेटरल साइड ऑफ नेजल सेप्टम इनटू द नेजल कैविटी। लैक्रिमल सैक और नेजो लैक्रिमल डक्ट कहाँ पाई जाती है, बोथ लेटरल साइड में, नेजल के लेटरल साइड में इन नेजल कैविटी। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। इसके इंडिकेशन होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा। एपिफोरा मतलब होता है एक्सेसिव टीयर्स आना, बहुत ज़्यादा हमें आंसू आना। कॉमन कैनालिकुलाई कैलकुलस, कोई भी कैनालिकुलाई क्या है, कैलकुलस हो गया है, कोई स्टोन हो गया है। सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल कैनालिकुलाई, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसमें, कैनालिकुलाई में। उसके बाद में फंक्शनल डिसऑर्डर, कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया है। लैक्रिमल सैक ऑब्स्ट्रक्शन, लैक्रिमल सैक का क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। लैक्रिमल डक्ट स्टेनोसिस, लैक्रिमल डक्ट का कोई क्या है,
स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग। लैक्रिमल डक्ट डायवर्टिकुलोसिस, लैक्रिमल डक्ट में क्या कोई डायवर्टिकुलोसिस हो गया उसको देखने के लिए। लैक्रिमल कैनालिकुलर स्ट्रिक्चर, लैक्रिमल कैनालिकुलर की स्ट्रिक्चर देखने के लिए। स्ट्रिक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, डक्ट का निर्माण। फेल्ड लैक्रिमल सर्जरी, यानी कोई पहले अपने लैक्रिमल सर्जरी हुई है वो फेल्ड हो गई है, सही ढंग से नहीं हुई है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं अपने ये प्रोसीजर करते हैं। अभी से बात करते हैं अपने डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पाउच, स्मॉल पाउच का फॉर्मेशन हो जाना। स्टेनोसिस क्या होता है, नेरोविंग, सेम भी नेरोविंग हो जाना। स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, कोई भी डक्ट का कंस्ट्रक्शन। कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है, स्टोन, यानी जैसे अपने कैनालिकुलाई में कोई भी स्टोन हो गया। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। एनी सस्पेक्टेड आयोडीन एलर्जी, कोई भी आयोडीन एलर्जी तो ये प्रोसीजर अपने नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमन प्रेगनेंट है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। नॉन कंसेंट बाय द पेशेंट, अगर पेशेंट को द्वारा कंसेंट फॉर्म नहीं भरा गया है तो अपने ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने यूज ले सकते हैं। कौन ले 280, 2 से 5 mL into each lacrimal system। कौन है 280 है वो कितने यूज लेंगे, 2 से 5 mL, यानी एक lacrimal system के लिए 2 से 5 mL यूज लेते हैं। लिपिडोल और वाटर सोल्यूबल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अपने लिपिडोल या वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी यूज ले सकते हैं। आयोडीन कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, 240 mg/mL। इसके बाद में आते हैं अपने इक्विपमेंट्स, अपने प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अपना फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, यानी पूरा फ्लोरोस्कोपिक यूनिट अपने को यूज में लेना होता है। पोर्ट फिल्म डिवाइस, एक्सरे कैसेट, मॉनिटर टीवी सिस्टम, हाई वोल्टेज जनरेटर, ग्लव, गोज पीसेस, सिरिंज, पैरासिटामोल, ज़ाइलोकेन एनेस्थेटिक स्प्रे, रेड एप्रोन और पंक्चर डायरेक्टर, ये सारे अपने इक्विपमेंट्स होंगे जो अपने प्रोसीजर में काम आएंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की, पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। नो स्पेसिफिक पेशेंट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है इसके लिए। वी कैन स्प्रे ज़ाइलोकेन एनेस्थेटिक स्प्रे, अब हम क्या करते हैं ज़ाइलोकेन एनेस्थेटिक स्प्रे का स्प्रे करते हैं टू द पेशेंट फॉर कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट फील हो। उसके बाद अगर अपना प्रोसीजर, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट वी नीड टू टेल द पेशेंट टू लाइ सुपाइन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल, सबसे पहले अपने क्या करेंगे पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन यानी सीधा रखने के लिए बोलते हैं। नाउ वी नीड टू मेक द आईलिड्स ऑफ द पेशेंट इवर्टेड, अब हम क्या करते हैं पेशेंट की आईलिड्स को इवर्टेड करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा करते हैं। एंड ए लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे ऑफ ज़ाइलोकेन नीड्स टू बी स्प्रे इन द आई, अब हम क्या करेंगे जो अपने पास ज़ाइलोकेन एनेस्थेटिक स्प्रे की स्प्रे करेंगे आईज में। आफ्टर स्प्रेइंग द एनेस्थेटिक स्प्रे फॉर पेशेंट कंफर्ट, स्प्रे करने के बाद क्या पेशेंट कंफर्ट फील करेगा। वी नीड टू इंसर्ट ए कैनुला केयरफुली इनटू द लैक्रिमल पॉइंट, अब हम क्या करते हैं एक कैनुला लेते हैं और उसको लैक्रिमल पॉइंट में इंसर्ट करते हैं पूरी केयरफुली से। देन ए कॉन्ट्रास्ट फिल्ड सिरिंज नीड्स टू बी अटैच्ड विद द लैक्रिमल
कंटेंट कर देते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूसिंग कैन बी परफॉर्म्ड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइन। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को आगे पुश करते हैं। ये सारा प्रोसीजर इसकी गाइडलाइंस में होता है, यानी फ्लोरोस्कोपी की देख रेख में होता है। ये पूरा प्रोसीजर अपने को फ्लोरोस्कोपी में दिख रहा होता है। जस्ट आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाते ही एन एक्स-रे फिल्म कैन बी परफॉर्म। अब हम क्या लेते हैं, एक्स-रे फिल्म लेते हैं इन FP or PA व्यू ऑफ सेल पोजिशन। सेल का FP और PA व्यू लेते हैं। इफ लेक्रिमल सिस्टम एंड डक्ट आर पेटेंट, जब लेक्रिमल सिस्टम और डक्ट कैसे पेटेंट होती है, देन कॉन्ट्रास्ट विल फ्लो थ्रू द लेक्रिमल कैनालिकुलाई। तब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, फ्लो होता है लेक्रिमल कैनालिकुलाई से लेक्रिमल सेक में। अपना कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है लेक्रिमल कैनालिकुलाई से लेक्रिमल सेक में एंड नेसोलेक्रिमल डक्ट। लेक्रिमल सेक क्या होता है, कहा जाता है नेसोलेक्रिमल डक्ट में। मस्ट हैव परफॉर्म्ड, ये प्रोसीजर अपना हुआ था जिसमें अपन ने क्या किया था, सबसे पहले पेशेंट को टेबल पर सीधा लेटाया था, फिर उसके आईज में एनेस्थेटिक स्प्रे की थी जिससे पेशेंट कंफर्ट फील करे। उसके बाद क्या किया था, एक लेक्रिमल कैनुला लिया जिससे अपने क्या किया था, लेक्रिमल पॉइंट में इंसर्ट किया था, फिर कॉन्ट्रास्ट फिल्म सीरीज ली, उसको लेक्रिमल कैनुला से अटैच कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को धीरे धीरे इंसर्ट करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट कहाँ जाता है, लेक्रिमल कैनालिकुलाई करता हुआ लेक्रिमल सेक में और लेक्रिमल डक्ट में। इसके अपने साथ साथ प्रोसीजर के साथ में व्यू लेते हैं, कौन कौन से व्यू लेते हैं, कल का FP और PA व्यू। इसके बाद में अपने बात करते हैं, इफ ए सिंगल साइड इज इफेक्टेड देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीड्स टू बी इंजेक्टेड। जब अपने सिंगल साइड इफेक्ट होती है, एक साइड पर लेक्रिमल सिस्टम अफेक्टेड होता है, तो अपन क्या करते हैं, एक साइड के लेक्रिमल सिस्टम में ही कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं इन द सिंगल आईज, यानी सिंगल आईज में। एंड बोथ आईज आर अफेक्टेड देन कॉन्ट्रास्ट नीड्स टू बी इंजेक्टेड इन टू बोथ आईज। जब अपने दोनों आईज अफेक्टेड होती है, यानी कि दोनों लेक्रिमल सिस्टम अफेक्टेड होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों लेक्रिमल सिस्टम में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे एंड देन ए PA व्यू कैन बी परफॉर्म्ड और एक्सल AP व्यू। फिर अपन क्या करते हैं, स्केल का PA व्यू और AP व्यू लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं आफ्टर केयर की, यानी पेशेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने वो पेशेंट की क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी क्या क्या पेशेंट के साथ करना चाहिए। वी नीड टू वॉश द पेशेंट आई आफ्टर द प्रोसीजर। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेशेंट की आई को वॉश करेंगे एंड आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट। फिर अपने पेशेंट से कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके बारे में पूछते हैं। टेल द पेशेंट टू टेक इन अ रेस्ट टू अंटिल द अफेक्टेड और एनेस्थीसिया विल गो ओवर। उसके बाद अपन क्या करते हैं, पेशेंट को इन अ रेस्ट के लिए बोलते हैं जब तक कि उसके एनेस्थीसिया का अफेक्टेड है वो चला ना जाए। उसके बाद अपने आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डिजीनेस होता है जिसे दौरे आना। ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट होता है, डेक्रोसिस्टोग्राफी अपनी कंप्लीट। थैंक यू।